हाय गाइस, वेलकम बैक टू रावत ब्लॉग एंड चैलेंजेस। गाइस अब बज रहे हैं सुबह के 10 और 10 में पौने 10 हो रहे हैं और मैंने थोड़ा बहुत काम मतलब निकाल ली। मैं अभी मतलब नहाई नहीं हूँ और सो के भी अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी और रसोई का मैं थोड़ा बहुत काम निकाल लिया है। अभी मैं आपको जैसे पता है कि मैं अपने मायके आई हुई हूँ, क्योंकि मेरे भाई का बेटा हुआ था, नामकरण था और दो बच्चे हैं हमारे जिनका कल नाम रखा गया था, दो बच्चों का। तो वो मैं आज आपको दिखाऊंगी तो वो दो बच्चे कैसे हैं, कौन हैं। तो ये वीडियो मैंने अब चालू करी है और कल एक दो दिन से तो दिसाई बना रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पर मैं आई हूँ तो मम्मी अकेली पड़ती हैं, भाभी तो कर नहीं सकती मेरी, तो इस वजह से मैं रसोई मैं कर रही हूँ। दिखाई बुरी देख रही थी, देखी अभी आपको शायद आवाज़ भी आ रही है उसकी भी की। उसने बात में कर लिया तो कपड़े बदले आ रहे हैं, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ इसे। ये देखिए एक छोटा सा ये है, इसका अभी देखो टीका लग रहा है आपको, देखिए अभी कोई नहाया नहीं है ये। ये देखिए ये मेरे छोटे भाई का बेटा है छोटा और दूसरा मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए ये है दूसरा, ये मेरे बड़े वाले भाई का बड़ा बेटा, मतलब मेरे से तो छोटा ही है लेकिन हाँ जो दूसरा भाई है उससे बड़ा है, तो उसका बेटा भी बड़ा। इसके भी देखो तिलक लग रहा है, कोई नहाया नहीं है। और एक ये देखिए ये गोद में इन दोनों के कल नाम रखे गए थे, नाम तो पंडित ने रख दिए लेकिन अभी घर में क्या रखते हैं ये नहीं पता हमें। और देखिए ये रो रहा है और बाहर आंगन में हो रहा है काम हमारा, क्योंकि तो गोलगप्पे बनते हैं तो मैं भी आपको दिखा रही हूँ गोलगप्पे का। देखिए वैसे ये भूखा है। अभी मैंने आपको गोलगप्पे दिखाए थे जो हमारे चाट का काम यहाँ पर उधर बन रहा है। ये देखिए ये डब्बे का दूध पीता है और ये देखिए वो सो गया, ये देखिए वो सो रहा है, वो सो रहा है। अरे ये भूखा है, ये भी सो जाएगा दूध पीकर। चलिए पहले इसको दूध देते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे झूला, ये चुनू का झूला है, इसमें बैठ गई हूँ, मैं झूलूंगी। जुगाड़ू है ना ये, मायर अभी झूलने को खुली है। ये देखिए फ्रेंड, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ। Thank you.
फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे एक मेरी नानी है, तो ऊपर जैसे नानी के फ्लोर यहाँ पे उस फ्लोर में वो टाई सिलती है। देखिए वो टाई आती है बच्चों के स्कूल की, स्कूल की टाई है, जो भी पार्सल आता है या ऑर्डर आता है वो सारी टाई ये सिलती हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से टाइयाँ सिली हुई हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वाले अंकल से हमने कुछ सामान ले लिया है, ये बोर्ड लिया है भाई साहब ने, और यहाँ पे हम खा रहे हैं बड़े नव्या, जैसे खाने वैसे बता दो साक्षी, और अंकल बना रहे हैं। अंकल मेरे में भरपूर चटनी डालना और मिर्च भी। अर्जुन बड़े जैसे खाए बता दे भैया, अपने पत्ते गिन लेना, दो हो गए। अर्जुन संभाल ले, नहीं अर्जुन, नव्या, समर और सांची सब, और मैं भी, और अंदर दो जने मायरा। तेरी भी आई ना, ये पानी आउ चाउ हो गए, जैसे नव्या को टेंशन छोड़ने के चलिए। आजा नब्बे में चल तो रही हूँ, पता है जहाँ पे ये ट्यूशन पढ़ते हैं ना वहाँ पे एक स्वामी होता है। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे जैसे मेरे दो मामे मेरे से भी छोटे हैं, तो उन दोनों की लड़ाई हो गई है, तो उन दोनों ने अपनी ना चप्पलें नाली में फेंक दी है, तो वो तो अपनी लड़ाई करके चलो अंदर घुस गए हैं, एक की चप्पल अभी भी नाली में ही है, तो वहाँ पे हमारी नव्या है वो निकालने की कोशिश कर रही है, देखिए क्या करेगी। और यहाँ पे और ये यहाँ मायरा भी है, मायरा भी है, तो चलो और यहाँ काना भी है। हाँ काना, ये काना भी है, मायरा भी है, ये सब है, पर ये लड़की नहीं है, ये लड़की ही है पर ये अपने आपको लड़का समझती है। चलो नव्या कोशिश करो, जाओ कह रही है चलो एक प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये मंदिर है ना, मंदिर के पीछे एक डंडा रखा हुआ है, इसने वो ले लिया है, और आपको मैं दिखाती हूँ, ये मेरे हाथ पकड़ के चल रही है। ये घर के सामने एक नाली है, और देखो कहाँ पे चप्पल, पिंक कलर की चप्पल दिख रही है, वहाँ घुसी हुई है। बहुत बुरी तरह लड़ाई हुई है, इनकी मम्मी ने भी मारा है, ये चुप नहीं रहते। पर मायरा पत्ता पहनेगी है? नहीं वो पहनने की चीज नहीं है, तो यहाँ पड़े हैं, कोई उठाता है? नाली में से क्यों उठा रही है? मैं नाली में नहीं बैठते है ना उनको, क्या नाली में नहीं बैठते ना उनको, फेंक दी किसी ने, फ्रेंड्स चलिए देखिए, एक ये तो निकल गई है, लेकिन जो उसके पीछे है ना वो बहुत आगे है, जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको, वाली बहुत आगे, वो निकालना मुश्किल हो जाएगा। और जब हम बता रहे हैं ना कि समर तेरी चप्पल अभी भी वहीं पे है, उसने अपनी निकाल ली, तो कह रहे हैं रहने दे मेरी तो नई चप्पल आ जाएगी, बट नव्या फिर भी एक ट्राई कर रही है। लाओ नव्या मैं निकालूं,
फ्रेंड्स चप्पलें निकल गई हैं, अंदर चली गई हैं और अब हम कर रहे हैं, हमारा उधर आंटी से बात कर रही है, सेवन भी खड़ा है और अब हम जाएंगे छत पर। छत पे से हम लाएंगे मिट्टी, मिट्टी से हम बनाएंगे गणेश जी। एक गणेश जी समर ने बना लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी, और दूसरे वो बनाएगा जो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे बनाने हैं गणेश जी। अगर आपको बनाने हो एक दिन में, जो घर में मिट्टी पड़ी रहती है ना गमलों से, आप वो निकाल के बना सकते हैं। और नव्या को हमने बोल दिया था कि नव्या तू नहीं करेगी, तो ये गुस्सा होकर बैठी हुई है, लेकिन नव्या गणेश जी बनाएगी, ठीक है नव्या? समर कुछ नहीं करेगा और नव्या गणेश जी बनाएगी, मैं कलर करूंगी और समर कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ये ना हर समय जिद करती रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है? तो फिर नव्या क्या करेगी? बस तो ये बहुत ज्यादा करती रहती है, इसके पापा को मारने नव्या कलर करने है? टेप वाले, टेप वाले कौन से करने होता? वाटर वाले, वाटर वाले, ठीक है? तो नव्या कलर करेगी, मैं भी कलर करूंगी, ये गणेश जी बनाएगा, ठीक है? ठीक है, मुझे बता देना कैसे कैसे कलर करने ये ब्लेंड में, मैं तो फोड़ दूंगा, ठीक है? तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, पहले हम गणेश जी बनाएंगे। तो हमने ले ली है मिट्टी, नव्या दिखाओ कितनी मिट्टी ली है। बस फ्रेंड्स इतनी सी मिट्टी चाहिए होती है, अब पानी और मिट्टी बन गए हमारे गणेश जी। हाँ वैसे कलाकार तो यही है, यही बताएंगे क्या क्या हमें चाहिए, फिर हम नीचे जाके बताएंगे। हाँ चलो बताएंगे, ये मेरे गन से पड़ गई। अब हम नीचे जा रहे हैं सामान लेने पर और फिर बनाएंगे। ये सबसे आगे चल रहा है ये ना, तो कुछ ज्यादा कलाकार बन रहे हैं, देसी कलाकार, और नव्या सबसे पीछा रही है। यहाँ से हमें लेना है पानी, कम कम लेना है बस। चलो यहाँ बनाओगे? हाँ, हम इधर बना सकते हैं। पहले मिट्टी हटाना पे। तो फ्रेंड्स अभी ये कर रहे हैं, मिट्टी को तोड़ रहे हैं ये। नवे हाथ हटा भी लड़ जाए। नवे नवे तू रैंड ला ली है ना? ये देखो यहाँ पे नव्या भी हेल्प करवा रही है। नव्या ने आज हमारी दो चोटी बनाई है नव्या, हस्ती कैसे दिखाई।